नमस्कार दोस्तों, क्या दोस्तों आप लोग भी पुराने नोट या पुराने सिक्के बेचना चाहते हो? क्या आप लोगों के पास है ऐसा 5 रुपए का इंदिरा गांधी का फोटो वाला सिक्का? क्या आप लोग भी जानते हो इस सिक्के के बारे में? क्या आप लोगों के पास में ऐसा सिक्का है, आपके दोस्त आपके परिवार में ऐसा सिक्का है? तो कैसे आप लोग इस सिक्के को बेच सकते हो और क्या प्राइस मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, खूब सारे लोगों की डिमांड थी कि इंदिरा गांधी के सिक्कों की क्या रेट होती है। दोस्तों मेरे हाथ में आप 2 इंदिरा गांधी के सिक्के देख पा रहे हो। अब इन सिक्कों का क्या रेट है और कितने रुपए हमें मिलने वाले हैं, तो पूरी A to Z जानकारी बताऊंगा। वीडियो अंत तक देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों अगर आप लोग भी इंदिरा गांधी के सिक्के रख रहे हो, अगर आपके पास में इंदिरा गांधी की फोटो वाले 5 रुपए का सिक्का है, तो आप लोगों को लाखों नहीं करोड़ों मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे, कितनी प्राइस है, सब चीजें बताऊंगा। फ्रॉड से आपको बचना है, तो बिल्कुल ये 5 रुपए का जो इंदिरा गांधी वाला कॉइन है, इसकी ईयर है 1985। सिक्के के ऊपर यहाँ पे देखोगे तो 1917 से लेके 1984, 1917 से 1984 एक तरफ अशोक स्तंभ और वैल्यू लिखा हुआ है, दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इंदिरा गांधी जी का फोटो लगा हुआ है। तो बिल्कुल आप लोगों को देखना है, इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट आ जाएगा। इंदिरा गांधी हिंदी और अंग्रेजी में लिखा है। इसका जो मेटल है, इस सिक्के का मेटल है, मेटल था कॉपर निकल, समझ लेना कॉपर निकल। वेट इसका था 12.5 ग्राम इस सिक्के का। अगर आप लोगों के पास में भी है तो ध्यान से सुनिएगा, 31 mm इसकी साइज थी और ये गोलाकार आकृति के सिक्के थे। तो बिल्कुल आप लोग भी इन्हें बेचना चाहते होंगे। बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से ये सिक्के जारी हुए थे, 2 मिनटों से जारी हुए थे बॉम्बे और हैदराबाद मिंट। आपको यहाँ पे बॉम्बे के अंदर दिख जाएगा या फिर हैदराबाद मिंट के अंदर दिख जाएगा। हैदराबाद का स्टार होता है, बॉम्बे का डायमंड का शेप होता है। तो बिल्कुल आपको ये चीजें तो नॉलेज में है। ये फाइन कंडीशन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन और UNC कंडीशन, सभी कंडीशन बाई कंडीशन के आधार पर ये सिक्के बिकते हैं। लेकिन इन सिक्कों का वैल्यू आप लोग कैसे कमा सकते हो, ये गाइड बुक है। इस गाइड बुक के अंदर तो इनका प्राइस खूब कम है। क्यों कम है मेरे भाई, आप लोगों को समझाऊंगा A to Z। यहां पे देखते हो बॉम्बे मिंट का तो 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए और 50 रुपए लिखा है। हैदराबाद मिंट का 20, 25, 30, 50 सकेर की कंडीशन में है। सकेर अभी ये जो है रेयर सिक्के नहीं है, सकेर है। तो बिल्कुल आप लोगों के पास में ऐसे सिक्के हैं तो आप लोग इनके अच्छे पैसे कैसे कमा सकते हो, तो वो चीजें आपको जानना है। मेरे पास जैसे कि एक ये सिक्का आप देख पा रहे हो, 5 रुपए वाला सिक्का है। इनके अलावा मेरे पास में 50 पैसे का भी सिक्का है, 50 पैसे, ये देख सकते हो इंदिरा गांधी, सेम टाइम सेम मिंट, बॉम्बे मिंट के मेरे पास सिक्के है। अब हमें क्या करना होगा यार, 2 सिक्के है तो हमें क्या चीजें ढूंढनी है। दोस्तों सिंगल सिक्का मैंने कहा है, कॉमन सिक्का नहीं बिकता, सिंगल सिक्का केवल रेयर सिक्का बिकता है। रेयर होगा तो सिंगल बिकेगा, अगर रेयर नहीं है तो आप लोग फिर भी कॉमन सिक्कों के भी अच्छे पैसे कमा सकते हो। वो कैसे आपका सवाल है कि वो कैसे, तो मेरे भाई वो ऐसे कि आप लोगों को कलेक्ट करना है, यानी कि आपको देखना है सबसे पहले कि ये सिक्के कौन कौन से बने थे, यानी ये इंदिरा गांधी वाले सिक्के कौन कौन से बने थे। तो मैं आपको बताता हूं कहां देखोगे, तो मैं क्लियरली कहता हूं, इसीलिए कहता हूं कि आप गाइड बुक ले लीजिएगा। गाइड बुक में आपको ये चीजें की जानकारी मिलेगी। देखो मैं आपको दिखा दूंगा अभी, गाइड बुक के अंदर आपको इन चीजों की जानकारी मिलेगी कि आप लोग कॉमन सिक्के को भी अच्छे पैसों में कैसे बेच सकते हो। तो मेरे भाई ये रही पूरी कहानी, ये रही, यहां पे आ जाओ, 1985 इंदिरा गांधी, 1917 से 1984 देख लीजिएगा। इंदिरा गांधी स्मारक सिक्के, स्मारक सिक्के है 1985 के अंदर। अब इसमें है 100 रुपए का, 5 रुपए का, 20 रुपए का और 50 पैसे, यानी 4 सिक्के आपको कलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे पास 2 सिक्के है 50 पैसे और 5 रुपए का, आने वाले समय में मैं दोनों सिक्के कलेक्ट कर लूंगा। प्राइस इनकी है 15,000 रुपए, 15 से 20,000 रुपए आपको भी मिल सकते हैं।
आपको भी मिल सकते हैं 15 से 20 हजार रुपए, इस चीज का ध्यान रखना, आपको भी मिलेंगे। जब इनका इश्यू आया था उस टाइम ये 400 रुपए में मिल रहा था, अभी इसका वैल्यू हो गया 15 हजार रुपए। तो आप लोगों को करना इकट्ठे करना मेरे भाई, प्रूफ सेट बनाने हैं इनके। प्रूफ सेट होते हैं जैसे जिस जिस मान लीजिए इंदिरा गांधी वाला ये सिक्का है, तो 100 रुपए का सिक्का बॉम्बे मिंट का, 5 रुपए का सिक्का बॉम्बे मिंट का, 20 रुपए का सिक्का बॉम्बे मिंट का, और ये 50 पैसे का सिक्का बॉम्बे मिंट का। ये हमारा एक प्रूफ सेट तैयार होता है और इसकी प्राइस 15 से 20 हजार रुपए आपको मिलती है। तो आप लोग भागदौड़ की जिंदगी से हटिए मेरे भाई, आप लोग एक सिक्का या फिर झोले भर भर के लेके जाते हो ना, इससे हट जाइए। आप लोगों को स्मार्ट तरीके से कलेक्शन करना है, स्मार्ट तरीका जो होता है, आपको प्रूफ सेट के ऊपर ध्यान देना है। प्रूफ सेट की वैल्यू होती है, रेयर सिक्के तो वैसे ही बिक जाएंगे यार एक एक, लेकिन आप लोग इस चीज के ऊपर ध्यान दे लो। आप इसके ऊपर ध्यान दे लोगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, अच्छे पैसे कमा पाओगे, स्कैम नहीं होगा। क्योंकि आपके पास गाइड बुक होगी तो मेरे भाई आप प्राइस का पता कर लोगे। यार यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको कि ये सिक्के का 50 लाख भाई लूट लिए जाओगे। खुद गाइड बुक लाओगे ना, गाइड बुक के अनुसार आप लोग इनकी जानकारी ले सकते हो, और कौन कौन से सिक्के, सब चीजें गाइड बुक के अंदर होती है कि आप सबसे पहले एक सिक्का देखिए, उस सिक्के से रिलेटेड प्रूफ सेट चेक कीजिए, और वो आपके ऐसे अच्छे पैसे देने की बात होती है, उसी के अनुसार आप लोग अच्छे पैसे कमा सकते हो। ऐसे तो आप लोग स्कैम के जाल में, फ्रॉड के जाल में, या फिर जो अलग अलग तरीके से लूटने का काम होता है ना, उनके जाल में फंसते चलोगे। मेरे भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, साथ ही आप लोग फ्रॉड में से बचना, फ्रॉड मत करवा लेना मेरे भाई, फ्रॉड मत करवा लेना। फ्रॉड हो भी जाता है नादानी में, गलती में, तो 19-30 पे शिकायत अवश्य करवा देना, ताकि उनका निस्तारण हो जाए। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करना, यस कमेंट करना, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नहीं हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, राम राम।